हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे से चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो कि रिलेटेड जेनेटिक डिजीजेस से, ठीक है। तो इन जेनेटिक डिजीजेस में जैसे हम जानते हैं कि ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज भी होती हैं या ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीजेस या ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या क्या हैं और जो डिजीज हैं उन्हें हम कैसे जो हैं वो लर्न कर सकते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम्स हैं अगर उसमें कोई भी ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज आएँ तो उन्हें हम एक ट्रिक से लर्न करें, ताकि हम उसका जो आंसर है वो इजीली दे पाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड कलर का आपको जो आइकन दिख रहा है उस पर आप प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज और उसकी ट्रिक की, कैसे हम जो है इन ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज को एक ट्रिक के का यूज़ करके उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज ली हैं। तो पहली है फिनाइल किटोन्यूरिया, दूसरी सिस्टिक फाइब्रोसिस, थर्ड एल्केप्टोन्यूरिया, फोर्थ सिकल सेल एनीमिया और फिफ्थ थैलेसेमिया, ठीक है। तो हम इन जो 5 ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है उनके बारे में देखेंगे। मैं उनका आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये जो डिजीजेस हैं ये होती क्या हैं और ये किसकी डेफिशिएंसी से होती हैं, या कौन सा ऐसा जो प्रोडक्ट है वो एकुमुलेट हो जाता है बॉडी में जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, और वो बहुत ही डेंजर डिजीज जो है इसकी वजह से तो हमारी जो बॉडी है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, ठीक है। तो वो देखने से पहले, और जो मैं एंड में आपको जो है वो ट्रिक बताऊंगा, तो पहले मैं आपको इन सबका, इन 5 जो जेनेटिक डिजीज है उन सबका इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये होती क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। एक लाइन की ट्रिक होगी जो कि आपको एक सेंटेंस बस मैं दूंगा, अगर आपने वो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लिया तो आप जो है ये 5 डिजीज जो है उसके बारे में आप इजिली जो है अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ इनका कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हमें पता है कि फिनाइल किटोनेरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्केप्टोनेरिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया, ये क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। तो एक टर्म होता है जैसे ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज जो होती हैं, ठीक है, उसमें अगर किसी भी जीन का अगर एक कॉपी में भी अगर म्यूटेशन होता है तो वो डिजीज कॉज कर देती हैं, ठीक है। अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज होगी, इफ देयर म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन द सिंगल कॉपी ऑफ द जीन देन इट इज सफिशियंट टू कॉज द डिजीज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज की, तो या अगर ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में, तो इसमें क्या होता है कि जो जीन की जो दोनों कॉपी होती है उसमें म्यूटेशन होना कंपलसरी है, ठीक है। जब तक दोनों कॉपी में म्यूटेशन नहीं होगा जब तक डिजीज जो है वो कॉज नहीं होगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज देयर शुड बी अ म्यूटेशन इन बोथ कॉपी ऑफ द जीन, देन ओनली इट विल कॉज द डिजीज। अदरवाइज अगर सिंगल कॉपी में म्यूटेशन हो रहा है किसी भी ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज में, अगर सिंगल कॉपी में म्यूटेशन हो रहा है तो वो डिजीज कॉज नहीं करेगी और वो एज अ कैरियर काम करेगी, ठीक है। तो मतलब किसी भी फादर मदर में अगर सिंगल कॉपी में म्यूटेशन हो रहा है लेकिन, तो उसमें वो डिजीज कॉज नहीं करेगी, लेकिन अब आने वाली जनरेशन में अगर किसी उसके जो ऑफस्प्रिंग होगी अगर उसमें जब तक दोनों कॉपी में अगर म्यूटेशन हुआ तभी जाके उनके जो किड्स होंगे उसमें जो है ये डिजीज जो है कॉज करेगी, तभी हम पता लगा सकते हैं कि ये जो मतलब कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी ये जो जीन था वो प्रेजेंट था लेकिन वो एज अ कैरियर था, ओके। मीन्स उनके सिंगल जीन में ही म्यूटेशन था लेकिन उनमें कोई डिजीज नहीं थी, वो एज अ कैरियर एक्ट कर रहे थे। लेकिन जो आने वाली जनरेशन में क्या हुआ, जब उनके बेबी में जो भी दोनों म्यूटेशन हुए जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी दोनों कॉपी में म्यूटेशन हो गया, और तब उन्हें पता चला अच्छा तो एज अ कैरियर, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यही मेन डिफरेंस था बिटवीन द ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड द ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, पहले जो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये सब आपका है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर या डिजीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फिनाइल किटोनूरिया, ठीक है। तो फिनाइल किटोनूरिया क्या है, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है फिनाइल, ओके। तो इसमें एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, क्या होता है फिनाइल एलानिन, ये क्या होता है ये एक्युमुलेट हो जाता है,
ये क्या होता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है पूरे बॉडी फ्लूड में, ठीक है। अब बॉडी में जितने भी फ्लूड है उसमें क्या होता है, जो फिनाइल एलानिन जो है अमीनो एसिड, ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है। क्यों होता है, एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। अब ये जो एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन को टाइरोसिन में, ठीक है, फिनाइल एलानिन को टाइरोसिन में। अगर किसी के अंदर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है वो एब्सेंस है या उसकी डेफिशिएंसी है, तब जाके तो फिनाइल एलानिन जो कि अमीनो एसिड है वो बॉडी में एक्यूमुलेट करने लगेगा, चाहे कोई भी बॉडी फ्लूड है उस सब में एक्यूमुलेट करेगा, और ये जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो डिजीज है उसे कॉज कर देगा, क्लियर। तो इसमें जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज है उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलानिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है टायरोसिन में, ठीक है, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलानिन है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। अब दूसरा क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये मेनली क्या करता है, ये अफेक्ट करता है लंग्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, या हम डाइजेस्टिव सिस्टम को बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये उन सेल्स को इफेक्ट करता है जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं या जो स्वेट सिक्रेट करते हैं या तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो ये उन सेल्स को इफेक्ट करता है जो म्यूकस या स्वेट को सिक्रेट करते हैं। अब कैसे करते हैं, अब जो म्यूकस सिक्रेट हो रहा है वो क्या होता है, वो बहुत स्टिकी हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही थिक हो जाता है, जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है, वो स्टिकी हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो अफेक्टेड होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूकस क्या हुआ, बहुत थिक हो गया, और जो स्वेट है वो भी बहुत थिक हो गया, ठीक है। तो ये उन सेल्स में प्रेजेंट होता है या उन सेल्स में म्यूटेशन क्रिएट करता है जो म्यूकस या स्वेट को सिक्रेट करते हैं, और जिसकी वजह से जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलकैप्टोन्यूरिया। तो एलकैप्टोन्यूरिया क्या है, इसमें क्या होता है, एक जो कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं, प्रोडक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं होमोजेनिस्टेट, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, होमोजेनिस्टेट, तो ये होमोजेनिस्टेट जो प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, ठीक है। अब इसके लिए भी एक एंजाइम है जिसे हम लोग बोलते हैं होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज, ठीक है। तो एलकैप्टोन्यूरिया में क्या होता है, देयर इज अ एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस, व्हाट कंपाउंड एक्यूमुलेशन, होमोजेनिस्टेट, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है होमोजेनिस्टेट, इसका एक्यूमुलेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो एंजाइम होता है जो इस होमोजेनिस्टेट को डिकम्पोज करता है या कन्वर्ट करता है वो डेफिशिएंट होता है। तो जो होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है ये क्या होता है, ये एब्सेंस होता है या डेफिशिएंस होता है, ठीक है। अब जब ये एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, जो होमोजेनिस्टेट है ये बॉडी में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा एलकैप्टोन्यूरिया, जो डिजीज है एलकैप्टोन्यूरिया, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये एंजाइम एब्सेंट है, ठीक है, अब ये जो होमोजेनिस्टेट है ये क्या करता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये एक्सक्रीट करता है यूरिन के थ्रू, इसलिए जो यूरिन होता है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, ब्लैक यूरिन। अब यूरिन जो है वो ब्लैक क्यों हो जाता है, क्योंकि जो होमोजेनिस्टेट होता है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड एंड पॉलीमराइज्ड टू अ मेलानिन लाइक कंपाउंड या मेलानिन लाइक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये होमोजेनिस्टेट क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, आफ्टर दैट पॉलीमराइज टू सम मेलानिन लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन होता है वो ब्लैक हो जाता है, क्लियर। तो ये क्या होता है, एलकैप्टोन्यूरिया के बारे में। अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ठीक है, अब ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है जो कि क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो स्मूथ और राउंड है, ठीक है, उसका वो हम किसी लेटर से डिनोट करें तो वो ओ है, ठीक है। अब क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिकल शेप हो जाता है,
अगर हम इसे किसी लेटर से डिनोट करें तो ये एक टाइप का हो गया, इस टाइप में सी टाइप, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा जो सिकल हीमोग्लोबिन है वो हो गया सी टाइप इस वे में, ठीक है। अब अगर इसका जीन लेवल पे देखें तो इसमें क्या होता है कि एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है। अब अगर सिकल सेल एनीमिया होता है तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्स पोजीशन इन द बीटा चेन में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वैलिन आके लग जाता है, वैलिन कम्स और सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो क्या होता है, सिक्स पोजीशन में बीटा चेन में क्या होता है, वैलिन आ जाता है इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, मीन्स ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाई वैलिन एट द सिक्स पोजिशन इन द बीटा चेन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिकल शेप हो जाता है, ठीक है। अब ये सिकल शेप हो गया तो इसका जो हाफ लाइफ है वो भी कम हो जाता है, जो इसका हाफ लाइफ होता है वो 15 डेज का हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो ब्लड का होता है हमारी बॉडी में वो उसका जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज, ठीक है। लेकिन जब जो जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया होता है या जो भी सफर करते हैं सिकल सेल एनीमिया से तो उनका जो हीमोग्लोबिन होता है उसका हाफ लाइफ हो जाता है, या हम बोल सकते हैं लाइफ स्पैन वो 15 डेज का हो जाता है, मीन 15 डेज बाद डिग्रेड हो जाता है, क्लियर। तो ये क्या था, ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में था। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज की, जो कि थैलेसीमिया है। ये भी एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग जो प्रोटीन होता है, जो कि मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसका जो नंबर है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो नंबर होता है हीमोग्लोबिन का वो बहुत ही कम होने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली ब्लड सेल में जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उतना नहीं रह जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन का नंबर है वो डिक्रीज होने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया, क्लियर। तो ये क्या थी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, जो मैंने आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि ये क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं वो ट्रिक, जो मैंने आपको ट्रिक बताने के लिए बोला था कि मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको वो ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए वो ट्रिक देख लेते हैं कि वो ट्रिक है क्या, आप कैसे रिमाइंड लर्न कर सकते हैं वो ट्रिक के बारे में, ताकि अगर कोई भी एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है या ऑटोसोमल रिसेसिव, तो आप उसकी इस सेंटेंस की हेल्प से आप जो है ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, चाहे CSIR हो, तो सारे एग्जाम में मोस्टली जो ये सिलेबस में कॉमन है, ठीक है। तो चलिए हम आपको वो सेंटेंस बता देते हैं, तो आपको बस याद करना है, आपको याद करना है ये सेंटेंस, फेनोमिना टू पुट सेल इन सीवियर थिंग, ओके। तो फेनोमिना टू पुश सेल इन एल्केलाइन सीवियरिटी थिंग, ओके। तो मैंने आपको एक सेंटेंस लिख के दिया, तो आपको बस ये सेंटेंस जो है वो याद करना है। तो क्या सेंटेंस है, फेनोमेना टू पुट सेल इन एल्कलाइन सीवियरिटी थिंग, ठीक है। तो आपको ये जो सेंटेंस है वो आपको याद करना है। तो सेंटेंस क्या है, फेनोमेना टू पुट सेल इन एल्कलाइन सीवियरिटी थिंग, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप जो ये सेंटेंस याद करने के बाद आप जो जेनेटिक ऑटोसोमल जो रिसेसिव डिजीज है उन्हें कैसे लिख पाएंगे। तो देखिए, पी से फिनाइल, ठीक है। तो फेनोमेना, तो यहाँ पे जो पी एच ई है ये क्या डिनोट करेगा, आपका फिनाइल
कीटोनूरिया। क्या डिनोट करेगा? फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, टू पुट हम लोगों ने बस ऐसे ही लिख लिया है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेल। तो यहां पे आपको सी क्या मिलेगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर। नेक्स्ट इन एल्कलाइन, इनका भी कोई यूज नहीं है, एल्कलाइन। ठीक है, तो इसमें ए एल के आपको क्या मिलेगा? ए एल के आपको मिलेगा एल कैप्टोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया। क्लियर। फिर एस, एस से क्या मिलेगा आपको? सिकल सेल अनेमिया। क्लियर। नेक्स्ट टी, टी से आपको क्या मिलेगा? थैलासीमिया। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जो कि मैंने आपको फाइव बताई, आपने इस सेंटेंस के थ्रू आपने उसे लर्न कर लिया, और आपने इसे लर्न कर लिया। अब आप अगर ऐसे आपने लर्न किया है तो आप जो है इन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो क्या था? फेनोमेना टू पुट सेल एल्कलाइन सीवीटी थिंग। तो पीएचई से फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज हो गई, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, ए एल के से एल्केप्टोन्यूरिया, एस से सिकल सेल एनीमिया, और टी से थैलेसेमिया। ठीक है, सो अगर आपको बस ये सेंटेंस एक जो याद रखना है, उसके बाद जो है आप जो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, जो मैंने आपको पांच ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज बताई है फाइव, वो आप जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंस्टेंटली उसका आंसर दूंगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।